मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं सुमन छेत्री आज फिर से 2 बजे की जो ट्रेनिंग है उसमें एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में, राइट, ऑल अबाउट प्रोटीन्स, कि हमें प्रोटीन क्यों चाहिए होता है और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो क्या हो सकता है, राइट क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में, राइट चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे मसल मास को बिल्ड करने में मदद करती है, राइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर में ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, राइट और प्रोटीन जो है ये हमारा एक एमिनो एसिड्स की लॉन्ग चेन से बना है, राइट। प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, जो हमारे बेसिस ऑफ लाइफ को फॉर्म करती है, राइट। तो प्रोटीन्स कैसे बनी है, लॉन्ग चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन का मतलब है टू टेक फर्स्ट, और किसने इंट्रोड्यूस किया था, एक डच केमिस्ट ने जिसका नाम था मल्डर, कौन से ईयर पे, 1838। प्रोटीन जो है ये हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, हमारे मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर, अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरी बॉडी पार्ट में और हमारे टिश्यूज में प्रोटीन पाया जाता है। जब हमारे पूरे बॉडी और टिश्यूज में, सेल्स में प्रोटीन चाहिए होता है तो क्या हम इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए, जबकि जो ये डाइटरी प्रोटीन है हमारे शरीर में पूरे 3 फंक्शंस करती है, यानी कि रिपेयर है ना, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज, ये 3 इंपॉर्टेंट रोल प्रोटीन हमारे शरीर में फंक्शन करता है। क्या हम एवरी डे रिक्वायर्ड प्रोटीन ले रहे हैं, राइट यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट लाइन में जो प्रोटीन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों चाहिए होता है, फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी बॉडी। और ये प्रोटीन क्या है, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपके पूरे शरीर में चाहिए होता है, राइट और प्रोटीन क्या है, एक एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स की लॉन्ग चेन है जो हम दूसरी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। देखिए आप जानते हैं एमिनो एसिड्स के बारे में, एमिनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड्स की बहुत सारी एमिनो एसिड के चेन बनाती है हमारा प्रोटीन, ठीक है, जैसे एक एक मोती को जोड़ के माला बनता है, राइट, ठीक उसी तरह एक एक एमिनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनती है। और ये जो एमिनो एसिड्स है ये बहुत ही क्रिटिकल रोल्स प्ले करती है हमारे शरीर में, जैसे कि आपके एंजाइम प्रोडक्शन में एमिनो एसिड्स चाहिए। ये एंजाइम क्या करता है, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि एंजाइम प्रोडक्शन के लिए चाहिए, लेकिन हमें यही नहीं पता कि एंजाइम होता क्या है तो हमें समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये एंजाइम क्या है, एंजाइम हमारे डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करता है। खाना तोड़ने के समय पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट, जैसे कि पेप्सिन हो गई इस तरह की, राइट। तो ये एमिनो एसिड्स क्या करती है, एंजाइम प्रोड्यूस करने में, अगर आपके शरीर में एमिनो एसिड्स डेफिशिएंट हो रही है तो एंजाइम कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे हेल्दी रहेगा, राइट। उसके बाद हमारे शरीर में हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ये हार्मोन क्या है, हार्मोन एक केमिकल है जो हमारे शरीर में मैसेजेस सेंड करने में मदद करती है, जैसे कि अगर हमें भूख लग गई तो ब्रेन से शरीर को जाता है ना, इस तरह से आपके शरीर में हार्मोन्स क्या करती है, मैसेजेस सेंड करने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हार्मोन्स बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करती हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गई, एपेटाइट हो गया, प्यूबर्टी, फर्टिलिटी,
है ना, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करती है, हमारा हॉर्मोन्स। अगर आप देखोगे कि पीरियड्स के समय, मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते रहता है, राइट। ये हार्मोन जो है हमारे शरीर में मैसेजेस सेंड करने में तो मदद करती ही हैं, उसके साथ साथ प्यूबर्टी के समय पे, है ना, एपेटाइट के लिए, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए भी आपकी मदद करती हैं। उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, बॉडी की एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, जो क्या कैरी करती है, कैरीज एंड बूस्ट एंड बैलेंसेस सिग्नल्स, जो आपके नर्व सेल्स में सिग्नल्स को बैलेंस करने में, बूस्ट करने में मदद करता है, ताकि वो नर्व सिग्नल्स जो है आपके पूरे बॉडी में जा सके, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करती है, एक बॉडी का केमिकल मैसेंजर है जो आपके नर्व सेल्स में और दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट में मैसेजेस देने में मदद करता है। हमारे शरीर में 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स चाहिए होता है, कितना, 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स। और ये जो एमिनो एसिड्स है ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स में पाई जाती है, एसेंशियल जो हमको खाने के द्वारा लेना है, नॉन एसेंशियल, ठीक है, जो आपके शरीर में ऑलरेडी पाया जाता है, ठीक है। और ये एमिनो एसिड्स क्या है, जैसे कि मोती 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 बनके एक माला बनती है, ठीक उसी तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके आपका प्रोटीन बनता है, राइट। चलिए, तो आप अभी आपको पता चला कि एमिनो एसिड्स कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो कितने तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं, कितने तरीके की होती हैं, आपके 3 डिफरेंट ग्रुप्स होता है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनल एमिनो एसिड्स। और हमारे शरीर की फंक्शन को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए, हमारे शरीर में ग्रोथ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमें 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। और ये एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में कैसे मदद करते हैं, एंजाइम प्रोडक्शन में और हार्मोन्स प्रोडक्शन में और न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोडक्शन, राइट, जो हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। अब आप यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं, प्रोटीन रिच फूड, अगर आप खाने के द्वारा कौन से खाने में ज्यादा प्रोटीन रहता है, लीन बीफ, चिकन, है ना, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, टोफू, नट्स, चीज, एग, लिग्यूम्स, टूना, सोया चंक्स, है ना, दाल, जैसे कि ल्यूगिम्स में ऑलरेडी सब कुछ आता है। तो ये जितने सारे फूड्स हैं ये सारे हाई इन प्रोटीन्स है जो हमें खाने के द्वारा मिलता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि ये चार्ट में से कोई भी एक चीज हम रेगुलरली खाते हैं, अगर हम खाते भी हैं रेगुलरली, क्या हम 100% श्योर है कि हमें इतना न्यूट्रिएंट मिल रहा है, नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज आप कुछ भी खाना खाओगे, आप देखना आजकल इतने ज्यादा भेजाल होने के कारण, केमिकल मिक्स होने के कारण हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, राइट। सो एक और चीज बता दूं कि द रिस्क ऑफ कंज्यूमिंग टू मच प्रोटीन, हमें ये तो पता है कि हमें प्रोटीन लेना है सही तरीके से, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप हद से ज्यादा, रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटीन अपने डाइट में लोगे तो हमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इज हाई प्रोटीन बैड, राइट, इज टू मच प्रोटीन बैड, यस, टू मच प्रोटीन हमारे डाइट, हमारे हेल्थ के लिए खराब है। कैसे, जो मैंने 3 चीज डिस्कस की है यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेली टू डेली लाइफ में, वो एक है आपका वेट गेन, ठीक है। जब हम एक एक्सेस प्रोटीन लेते हैं ना, उस प्रोटीन से जो कैलोरी आती है, जो फैट्स आती, कैलोरीज आती है, वो हमारे शरीर में फैट बन के जमा हो जाता है। हमें प्रोटीन तो रोजाना खाना है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में भी नहीं। अगर आप एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हो ना, तो ये जो प्रोटीन एक्सेस जो आप ले रहे हैं वो हमारे शरीर में चर्बी बन के जमा हो जाएगा, जिसके कारण वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाती है, राइट। जब कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तो फाइबर भी उसमें कम हो जाता है।
अगर हमारे खाने में फाइबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, राइट? जब आपके खाने में अच्छे तरीके से फाइबर होता है तभी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखोगे हाई प्रोटीन खाने में फाइबर की कमी होती है जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और दूसरा है रिनल प्रॉब्लम। जब आप प्रोटीन लेते हो, है ना, जब ये ब्रेक होता है, जब प्रोटीन ब्रेक होती है तो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है ना, वेस्ट प्रोडक्ट सेंड करता है हमारे किडनी पे। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा किडनी क्या करता है, शरीर से बाहर फेंक देता है। और अच्छी बात है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के बाहर नहीं जाएगा तो गंदगी हमारे शरीर के अंदर ही रहेगी, है ना। तो ये जो प्रोटीन है जब ये ब्रेक होती है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है आपके किडनी में जाता है, राइट? तो किडनी क्या करती है, उस वेस्ट को आपके शरीर से बाहर फेंक देता है, है ना। लेकिन अगर हम हद से ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो ज्यादा होगा। अगर वेस्ट ज्यादा हो रहा है तो हमारे किडनी को भी तो वो वेस्ट शरीर से बाहर निकालने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट? जो हमारे किडनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में प्रोटीन खाएंगे तो हमारे किडनी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उस प्रोटीन की वेस्ट को बाहर फेंकने के लिए, राइट? लेकिन अगर हम ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो किडनी को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि वो उस प्रोटीन की गंदगी को शरीर से बाहर निकाल सके, राइट? देखिए, अगर कोई ऑलरेडी किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है या डायबिटीज है, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होने की प्रॉब्लम है, है ना। तो इस तरह से देखिए, अगर आप प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में भी खा रहे हो तो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो ये हमारे किडनी को एक्स्ट्रा लोड दे रहा है कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रोटीन की वेस्ट को फेंकने के लिए। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट में फाइबर कम होता है जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होती है। तीसरा, वेट गेन। अगर आप एक्सेस प्रोटीन खा रहे हो तो वो एक्सेस प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में चर्बी बनके जमा होना शुरू कर देती है, राइट? तो एक्सेस, तो हमें क्या पता चला कि प्रोटीन भी हमें खानी है लेकिन उतना ही जितना हमारे शरीर को चाहिए। अगर कुछ भी चीज हद से ज्यादा खाएंगे तो वो हमें नुकसान देता ही देता है, राइट? अब हम बात करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी, राइट? ये प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या है? ये प्रोटीन डेफिशिएंसी हमें तब होती है जब हमारे शरीर को रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं मिलता। और जब हमारे शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, हमारा मसल लॉस होने लगता है। हम जो छोटे छोटे बच्चे आप देखते हो जो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, राइट, उनके ग्रोथ में भी ठहराव आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण हमारा हेयर, स्किन, नेल्स कमजोर होती है, क्योंकि जो प्रोटीन हमारे हेयर में पाया जाता है केराटिन, वो भी तो कम होने लगेगा। जो प्रोटीन हमारे स्किन में पाया जाता है कोलाजिन, वो भी तो कम होने लगेगा, राइट? हमारे नाखून खराब होने लगेंगे और घाव, हमारा जो घाव है वो घाव भरना कम हो जाएगा। कैसे? देखिए, जब प्रोटीन कम होता है ना तो कोलाजिन भी बनना कम हो जाती है। जब कोलाजिन ही नहीं बनेगा, जो स्किन की प्रोटीन है, है ना, कोलाजिन क्या है, स्किन की प्रोटीन, अगर वो स्किन की प्रोटीन ही नहीं बन रही है तो हमारा घाव कैसे जल्दी जल्दी भरेगा, राइट? और दूसरा है एडिमा, यानी कि सूजन पड़ना। ये प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में सूजन क्यों पड़ती है आपको पता है? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना, ये क्या करता है, आपका पानी और नमक को ब्लड वेसल्स में पकड़ के रखती है। ये टिश्यू में इस पानी और नमक को लीक होने नहीं देता, राइट? अगर प्रोटीन ही हमारे बॉडी में कम हो रहा है तो पानी और नमक को खून के नलियों में, यानी कि ब्लड वेसल्स में पकड़ के कौन रखेगा? अगर पानी और नमक ब्लड वेसल्स में पकड़ के नहीं रख पाए हैं तो वो तो लीक होगा ही होगा, राइट? जब ब्लड वेसल्स के पानी और नमक लीक हो रहा है, वो टिश्यूज में आएंगी, जिसके कारण हमारे शरीर में एडिमा होना शुरू हो जाता है, राइट? तो ये प्रोटीन क्या कर रही है, हमारे शरीर में पानी और नमक को होल्ड कर रही है, पकड़ के रखी है, ताकि वो ब्लड वेसल से लीक होके टिश्यूज में ना चला जाए।
अगर वही प्रोटीन अगर बॉडी में कम हो गया तो उस पानी और नमक को कौन होल्ड करेगा, राइट? अगर पानी और नमक को होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा लीक होके टिश्यू में आ जाएगा और उसके बाद हमारे शरीर में एडिमा होने लगेगी, यानी कि सूजन होने लगेगा। तो चलिए आप सब मुझे हैंड रेस कीजिए, मैं आप लोगों के एक सेल्फ एनालाइजिंग करना चाहती हूँ, ठीक है? आप लोगों को मैं कुछ कुछ पूछते जाती हूँ और आप बस हाथ को रेज, हैंड रेज की ऑप्शन होगी, वहां हैंड रेज करते जाइए। कितने लोगों को लगता है कि उन लोगों का मसल लॉस हो रहा है? मसल लॉस यानी कि आपके मसल लॉस हो रहे, कितने लोगों को ऐसा लगता है? आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। राइट, कितने लोगों को कंफ्यूजन सा फील होता है? आप खुद ही सोचिए, यहीं पे है, ये सब होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण। कितने लोगों को चिड़चिड़ाहट होती है, थकावट, फ्लूइड रिटेंशन, फूड क्रेविंग्स, और कितने लोगों के बाल और नाखून और स्किन खराब हो रहे हैं? राइट, ये सारे सिम्टम्स है किसके, हमारे शरीर में जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होने लगती है तब इस तरीके की प्रॉब्लम सिम्टम्स आने लगता है। राइट, तो देखिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये जो टर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, WHO ने कब अडॉप्ट की थी? 1976, ठीक है? WHO ने माल न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किया? द सेलुलर इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंड द बॉडीज डिमांड फॉर देम टू एंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन। राइट, तो क्या है, देखिए WHO ने क्या किया, द सेलुलर इम्बैलेंस, हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस होती है न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी की, जो हमारे बॉडी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम बोलते हैं एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और इंडिया में ये बहुत ही मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर आप इंडिया के बहुत ही गांव एरिया में जाओगे तो इतने बहुत सारे बच्चे आपको नजर आएंगे जिसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है। क्यों? उन लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती। और ये जो PEM है ये ज्यादातर क्या क्या टर्म करती है, अंडरवेट, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। राइट, ये PEM से क्या होता है, एक तो अंडरवेट होते हैं, स्टंटिंग होता है एंड वेस्टिंग। राइट, चलिए ओवरव्यू ऑफ PEM देखते हैं। वैसे तो PEM होने का सबसे बेसिक प्रॉब्लम है लेक ऑफ फूड इनटेक, सही तरीके से खाना ना पाने के कारण, खाना ना खाने के कारण हमें ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में कितना चाहिए होता है, 1 gram per kg आइडल बॉडी वेट। यानी कि अगर आपकी आइडल बॉडी वेट 60 kg है तो आपको 60 gram प्रोटीन रोजाना लेना है टू मेंटेन योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन योर बॉडी, ठीक है? तो 1 gram per kg आइडल बॉडी वेट मतलब क्या, आपकी जितनी आइडल बॉडी वेट है, यानी कि अगर आपकी आइडल बॉडी वेट 70 है तो आपको 70 gram प्रोटीन चाहिए रोजाना। राइट, तो ये PEM होने के रीजंस क्या, एक तो जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है आपकी लेक ऑफ फूड इंटेक, खाना ना पाने के कारण, या सही तरीके से खाना ना खाने के कारण। अगर आप आजकल के बच्चों को देखोगे तो वो सही तरीके से खाना खाते ही नहीं, सिर्फ बाहर का खाना, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, स्पेशली प्रोटीन नहीं मिलती। इसके कारण आप देखना आजकल के बच्चे थोड़ा स्कूल से आते ही थकावट महसूस होना शुरू हो जाता है, उनका स्किन अगर आप देखोगे ना एज से पहले ही खराब होने लगती है, हेयर देखोगे ना एज से पहले ही झड़ने लगते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाता है। राइट, और दूसरी रीजन क्या है, पुअर एब्जॉर्प्शन। अगर आप कुछ खाना खा रहे हो वो अगर सही तरीके से आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आपको न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगी? राइट, जब आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन ही खराब है, न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहा है, तो हम हेल्दी कैसे रह पाएंगे?
राइट right? तो दूसरा रीजन क्या हो गया, आपकी पुअर एब्जॉर्प्शन है ना, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपने बच्चों को है ना न्यूट्रिशनल एजुकेशन देते ही नहीं है, खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, राइट right? पहले पहले तो पीट पाट के खाना खिलाया जाता था, लेकिन आजकल क्या है, फोर्स ही नहीं करते, खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, रेडीमेड खाना लाके हाजिर कर देते हैं और खिला देते हैं। और उसके कारण आप देखोगे जैसे जैसे आपकी बच्चे की एज बढ़ती जाएगी उनके शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बढ़ते जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी प्रोटीन की कमी होगी। क्यों पता है? बिकॉज हम ना रोजाना प्रोटीन पाउडर लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं ना, हम रोजाना प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं ना, हम रोजाना अंडे का सफेद, बिकॉज अंडा जो है, अंडे का जो व्हाइट पोर्शन है उसमें पूरे के पूरे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पाया जाता है जो आपके शरीर में बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होती है, राइट right? हम सिर्फ ये आपके चिल्ड्रन न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है ये सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर में अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं, कोई भैया है, कोई सिस्टर है, वो सब मिलके अपने से छोटे लोगों को उनके खाने को कलरफुल बना के खिला सकते हैं, उनके खाने में एवरीडे रोजाना घर का हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना डाल सकते हैं, राइट right? लेकिन हम ऐसा नहीं करते आजकल अपना टाइम बचाने के लिए, और बच्चे भी बहुत जिद्दी होते हैं जिसके कारण हम उन्हें छोड़ देते हैं, और यही रीजन होता है कि फ्यूचर में जाके हम अपना खुद के बच्चों का ही हेल्थ खराब कर रहे होते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी अपना खुद का हेल्थ इसी कारण खराब कर रहे होते हैं, राइट right? आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे इस फर्स्ट इमेज में आप देखना ये नॉर्मल है, नॉर्मल वेट एंड नॉर्मल हाइट। अब दूसरे में है वेस्टेड, यानी कि थिनर एंड नॉर्मल, हाइट तो नॉर्मल है लेकिन देखिए थोड़ा सा पतला है, इसको बोलते हैं वेस्टिंग। अब बात करते हैं स्टंट, यानी कि स्टंटिंग, इसका क्या है, हाइट छोटा है, देखिए इसकी जो वेट है ना, वेट नॉर्मल है लेकिन अगर आप हाइट देखोगे तो हाइट छोटा है, राइट right? स्टंटिंग का मतलब क्या है, वेट तो नॉर्मल रहेगा लेकिन जो हाइट है वो आपकी छोटी होगी। उसके बाद वेस्टेड एंड स्टंटिंग, इसमें क्या होता है, हाइट भी छोटी होती है और आपका वेट भी कम होता है, यानी कि थिन अपेयरेंस होती है, राइट right? ये चार, ये दो केस, वेस्टेड स्टंटिंग और ये वेस्ट एंड स्टंट, ये तीन केसेस होती है आपकी पीईएम में। सो मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन 2000 WHO एस्टिमेटेड, राइट 2000 सन में WHO ने क्या एस्टिमेट किया था कि 32% जो बच्चे हैं वो भी 5 साल के छोटे बच्चे को अंडरवेट थे, वो एक डेवलपिंग कंट्रीज में वो 32% 5 साल से छोटे बच्चे अंडरवेट प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है ना। उसके बाद 150 मिलियन चिल्ड्रन है ना यंगर देन 5 years, यानी कि 5 साल से छोटे जो मलनरिश थे इन टर्म्स ऑफ वेट फॉर एज, एज के हिसाब से उनका वेट बहुत ही कम था, और ये 150 मिलियन चिल्ड्रन वो भी 5 साल से कम एज के बच्चों में देखा गया था, राइट right? और पीईएम एंड इंफेक्शन सबसे सबसे मेजर कॉज ऑफ डेथ क्या है आपको पता है, एक बच्चे को पीईएम भी है यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी है और उसके साथ साथ इंफेक्शन भी है, ये एक मेजर कॉज ऑफ डेथ होता है, राइट right? क्योंकि जो जिसके शरीर में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है उनका इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ता है, और जब आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ती है ना तो उन बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है, और ये एक वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ होता है छोटे बच्चों में। सो देखिए ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये आपका बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स से, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स है इसमें, तो सबसे पहले इसमें जो है वो है क्वाशियोरकर, उसके बाद मेरिस्मस, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मेरिस्कस एंड क्वाशियोरकर, ठीक है तीन टाइप्स की होती है, एक क्वाशियोरकर होता है, एक मेरिस्मस होता है और दूसरा मेरिस्मस एंड क्वाशियोरकर, यानी कि एक ही बच्चे को दोनों केसेस हो जाना, और सबसे ज्यादा केसेस दिखाई देती हैं यंग, छोटे इन्फेंट्स, बच्चे अभी अभी जन्म होने वाले बच्चे और छोटे बच्चों में,
और पता है पीएम के साथ साथ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के साथ साथ उनको होता है इन्फेक्शन, ठीक है। और ये जो तीन डिसऑर्डर्स मैंने आपसे डिस्कस की, खर्शियोकर, मेरेस्मस और ये मेरेस्मस खर्शियोकर, ये ज्यादातर होती है, यानी कि पीईएम ज्यादातर होता है इन्फेंट्स और आपके यंग चिल्ड्रन में, और इसके साथ होती है आपकी इन्फेक्शन, राइट। चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं हम मेरेस्मस के बारे में। ये मेरेस्मस क्या है? मेरेस्मस एक सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है, वो बच्चा जो है रिक्वायर्ड प्रोटीन और रिक्वायर्ड कैलोरी कंज्यूम नहीं करता, उसके शरीर में नहीं मिलता, जिसके कारण उसको मेरेस्मस होती है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो, इस मेरेस्मस जब होता है ना, एक बच्चे का शरीर इस तरीके की होती है, उसकी आंखें निकल आती है, उसका ग्रोथ नहीं होता। ये तो मैंने जैसे आपको कार्टून इमेज रखा है, अगर मैं आपको ओरिजिनल इमेज लगाती मेरेस्मस का तो आप देख ही नहीं पाते, इतना ज्यादा बुरी कंडीशन होती है उस बच्चे को, आप इमेजिन कीजिए, राइट। उसकी आंखें संकन होती है, यानी कि निकलता है, ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी जो रिब्स होती है ना, रिब्स की हड्डियां क्लियरली विजिबल होता है स्किन से। अभी क्या है, हमारी जो रिब्स की हड्डियां है वो स्किन छुपा रही है, राइट। लेकिन मेरेस्मस में क्या होता है, वो हड्डियां, रिब्स की हड्डियां आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, ये रिब्स की हड्डियां टोटली इस तरह से दिखाई देती है, और उसका जो बोन्स होती है ना, बोनी फेस, जो हमारे फेस में जो हड्डियां होती है ना, वो एकदम से पतला और फेस की हड्डियां दिखाई देती है। ये कब होता है, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है मेरेस्मस की। और क्यों होता है, जब एक बच्चे के शरीर में रिक्वायर्ड प्रोटीन और कैलोरीज नहीं होती, राइट, इतना बुरा कंडीशन होता है उस बच्चे का, है ना। उसके बाद खर्शियोकर एक सीरियस कंडीशन है, और ये उन लोगों को होता है जो एकदम ही कम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, शरीर में जितना प्रोटीन चाहिए उससे भी बहुत ही कम प्रोटीन वो लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तब उनको आदत होती है खर्शियोकर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन की कमी होने के कारण हमारे हेयर की कलर और टेक्सचर चेंज होता है, हमारा मसल लॉस होता है, हमारे ग्रोथ नहीं हो पाता, हमारा शरीर में इंफेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेती है, हमें चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा होता है, एनी टाइम थकावट लगता है, हमारा बेली जो है, हमारा पेट जो है वो निकलता है, एनी टाइम डायरिया होती है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, और स्किन में पिगमेंटेशन होता है, एडिमा होती है, और रैशेस होना शुरू हो जाता है। देखिए खर्शियोकर और मेरेस्मस में डिफरेंस क्या है, मेरेस्मस में क्या होता है, कैलोरी एंड प्रोटीन ये दोनों चीज कम होती है, और खर्शियोकर में क्या होता है, प्रोटीन की कमी होने के कारण होती है। अब हम डिस्कस करते हैं वेस्टिज प्रोटीन पाउडर, ठीक है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो था प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, कि देखिए प्रोटीन जो है हमारे शरीर में कितना चाहिए होता है, 1 ग्राम पर केजी एडल्ट बॉडी वेट, राइट। अगर उतना अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप देखना, आपको सिम्टम्स जरूर नजर आएंगी जो हमने डिस्कस किया था। मैं एक बार फिर से आपको वो पीपीटी दिखा रही हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वरना आप इस पीपीटी को एक बार देख के खुद महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट दिए हैं, तो आप 5 मिनट के लिए खुद सोचिए, ये 7 में से कोई भी ऐसा चीज है जो आप अपने शरीर में महसूस करते हैं, आप सोचिए। राइट, स्पेशली सबसे ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे हेयर और नेल्स और स्किन से रिलेटेड है, जबकि हेयर, स्किन और नेल्स में भी प्रोटीन मौजूद है, राइट। अगर हम प्रोटीन ही कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या होगा, हमारी स्किन डैमेज होने लगेगी, राइट। और एक और चीज आपके साथ डिस्कस करती हूँ, राइट, वो है हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, यानी कि पीडिकास,
ये पीडीकास क्या है? एक मेथड है जो इवेलुएट करती है द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन द एमिनो एसिड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड देयर डाइजेस्टिबिलिटी एबिलिटी टू डाइजेस्ट. पता है हमारे शरीर में प्रोटीन डाइजेस्ट होने का भी इवेलुएशन करते हैं कि कौन सा प्रोटीन अच्छे तरीके से आपके आपके शरीर में डाइजेस्ट होता है. और उस PDCEAS का वैल्यू होता है 1, जो मैं आपको एक अलग से एक स्लाइड में अभी दिखाती हूँ. ठीक है, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं वेस्टिज प्रोटीन पाउडर. ये जो वेस्टिज प्रोटीन पाउडर है ये एक न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर है जो एंटायर फैमिली ले सकते हैं. ये आपकी लो फैट सोया आइसोलेट्स और वे प्रोटीन से बना है. और इसमें देखिए जो हमने बात की थी कि 20 अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में चाहिए होता है फॉर रेगुलर फंक्शन, वो सारे 20 अमीनो एसिड्स इस प्रोटीन में पाया जाता है. राइट और ये प्रोटीन जो है ये हमारी लो फैट और हाई इन प्रोटीन है. राइट तो देखिए जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में आपसे डिस्कस की थी कि हमारे शरीर के अच्छे फंक्शन के लिए हमें 20 अमीनो एसिड्स चाहिए, वो सारे के सारे 20 अमीनो एसिड्स हमारे वेस्टिज प्रोटीन पाउडर में मौजूद है. और ये इजी टू डाइजेस्ट है. क्यों इजी टू डाइजेस्ट? बिकॉज इसका जो पीडीकास्ट वैल्यू है वो है 1. ठीक है, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन सही तरीके से डाइजेस्ट करती है तो उसके लिए क्या चाहिए? पीडीकास्ट वैल्यू 1 होना चाहिए. और हमारे प्रोटीन पाउडर का पीडीकास्ट वैल्यू 1 है. अब प्रोटीन पाउडर की डोसेज जानते हैं. प्रोटीन पाउडर की डोसेज है आपको 2 चम्मच लेनी है ग्लास ऑफ मिल्क जूस सूप और वाटर. ठीक है, ये है हमारी प्रोटीन पाउडर की डोसेज. अगर किसी को यूरिक एसिड है या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें हम प्रोटीन पाउडर अवॉइड करेंगे. ठीक है, तो इसकी एज लिमिट क्या है? 12 साल से ऊपर. 12 साल से ऊपर के बच्चों को हम प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं. ठीक है, 12 इयर्स एंड अबव हम वेस्टिज प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं. किसमें अवॉइड करना है? यूरिक एसिड एंड किडनी प्रॉब्लम. इसकी डोसेज क्या है? 2 स्पून इन अ ग्लास ऑफ मिल्क जूस सूप और वाटर. अब बात करते हैं इनविगो प्रोटीन पाउडर, जो हम 3 साल के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चों तक देते हैं. ये बहुत ही अच्छा एमिनो एसिड्स है. इसमें लो फैट सोया और वे प्रोटीन है. और सबसे अच्छी बात इसमें है DHA और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ये DHA हमारे क्रिल ऑयल में भी मौजूद है. राइट, DHA हमारे क्रिल ऑयल में भी मौजूद है जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है. राइट, तो हमारे वेस्टिज इंडिगो प्रोटीन पाउडर में DHA है जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट को, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, गुड फैट है जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करेगा. तो 3 साल के बच्चे में जो भी अगर पूछते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं 3 साल से ऊपर 12 साल के नीचे, अगर उनको आप ब्रेन डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट देना चाहते हो तो वेस्टिज इंडिगो प्रोटीन पाउडर के साथ क्रील आप एड करके दे सकते हैं. यह आपके बच्चों में ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करेगा और बच्चों के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. बोन हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेगी. वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और ये बहुत ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाएगा. सो इनविगो प्रोटीन पाउडर की डोसेज क्या है? 2 चम्मच आपको लेनी है. 10 ग्राम दूध में लीजिए, जूस में लीजिए, आप इस तरह से ले सकते हैं. तो जो स्लाइड्स में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, चलिए वो जो मैंने आपसे कहा कि पेट, ये देखिए यहाँ पे मेरी मेल आईडी है. राइट, यहाँ पे आज हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया कि प्रोटीन क्यों चाहिए, प्रोटीन किस तरह से आपके बॉडी फंक्शंस में काम करता है. राइट, सो ये नीचे मेरी मेल आईडी है, आप इस पे मेल कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन का जो आपकी ये रिक्वायरमेंट, आपके शरीर में प्रोटीन कितना चाहिए? 1 ग्राम पर केजी बॉडी आइडल बॉडी वेट. ठीक है, 1 ग्राम पर केजी आइडल बॉडी वेट. ठीक है, यानी कि अगर आपकी वेट 70 केजी है, अगर आपकी आइडल बॉडी वेट 70 केजी है तो हमें कितनी ग्राम प्रोटीन चाहिए? 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए.
राइट right? सो देखिए जो प्रोटीन है हमारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में, हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में, न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करने में, आपके शरीर में हेल्दी रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपेंद्र कुमार जी PDCAAS का है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। ये क्या होती है? पेटकस इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोटीन। ये क्या करती है? एक मेथड है जो हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को इवैल्यूएट करती है बेस्ड ऑन बोथ एमिनो एसिड्स रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमंस एंड देयर एबिलिटी टू डाइजेस्ट। उनके डाइजेशन एबिलिटी को देख के ये स्कोर दिया जाता है। और अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी की स्कोर क्या है? 1। ठीक है, ये 1 जो है हमारे प्रोटीन वेस्टिज प्रोटीन पाउडर का भी पेटकस वैल्यू 1 है, जिसके कारण प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। ओके, इंडिगो प्रोटीन पाउडर की एज लिमिट है 3 साल से ऊपर के आपके 12 साल तक। जी जी सर, डायबिटिक पेशेंट को हमारा वेस्टिज प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। प्रोटीन पाउडर फैटी पर्सन को आप दे सकते हो, लेकिन दिन में बस एक ही बार आप देना। सर हाइट के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते फॉर 20 इयर्स, लेकिन अगर वेट गेन करना है तो आप प्रोटीन पाउडर खाना खाने के बाद दे सकते हैं, उसके बाद स्पाइरुलिना भी दे सकते हैं। वेस्टिज प्रोटीन पाउडर इजिली डाइजेस्टेबल इसलिए है सर, बिकॉज एक तो ये आपकी वेजिटेबल प्रोटीन है, वेज प्रोटीन है, और इसकी जो पेटकस वैल्यू है, जो डाइजेस्टिबिलिटी, जो आपकी एबिलिटी टू डाइजेस्ट, जिसको हम पेटकस वैल्यू कहते हैं, वो पेटकस वैल्यू इसका 1 है। क्यों? बिकॉज प्रोटीन पाउडर जो है ये आपकी सोया एक्सट्रैक्ट है ना, ये आपकी सोया एक्सट्रैक्ट और वे प्रोटीन से बना है, और सोया एक्सट्रैक्ट एंड वे प्रोटीन की भी पेटकस वैल्यू 1 है सर, जिसके कारण आपके बॉडी में प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फूड क्रेविंग्स यानी कि खाना खाने के बाद भी आपको बार बार आपको कुछ ना कुछ खाते रहने का मन करना। जी SK झा जी, आप प्रेगनेंसी केस में दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने अगर कहा है तभी, हम खुद से नहीं देंगे। सोनाली जी, एक खाने से पेट में दर्द इसीलिए होता है ना, बिकॉज बहुत लोग एक से एलर्जी होता है उन लोगों को, ठीक है, इसीलिए। कैन आई यूज इट फॉर बॉडी बिल्डिंग? यस सर, यू कैन यूज इट फॉर बॉडी बिल्डिंग। देखिए सोया प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन में क्या है, एनिमल प्रोटीन में कभी कभी हमारे बहुत ज्यादा गंदे फैट्स भी आ जाते हैं शरीर में, राइट, और आपके ये प्रोटीन पाउडर में, हमारे वेज प्रोटीन में गंदे फैट्स आने के चांसेस नहीं होते हैं। 8 grams, 1 scoop, one scoop of protein gives 8 grams of protein. नो कस्तव सरकार, यहाँ पे आप अपने जूम मीटिंग के लिंक प्लीज शेयर मत कीजिए। सर टप्पू जी, आप जिम के लिए 3 चम्मच पूरे दिन में आप ले सकते हैं, उसके साथ आप लीजिएगा एलार्जिनाइन स्पाइरुलिना भी। इंडिगो प्रोटीन पाउडर का कितना पेटकस वैल्यू है? 1 ही है सर। जी नहीं, यूरिक एसिड में हम नहीं देंगे सर। यस, 1 tablespoon इज इक्वल्स टू 5 ग्राम, जो हमारी छोटी चम्मच होती है किचन में वो। अगर 4 साल के बच्चे को हाइट बढ़ाने में अगर आप चाहते हो तो उसके बाद आप दे सकते हैं उनको इंडिगो प्रोटीन पाउडर।
25 प्लस के लिए तो जी हाइट गेन हाइट तो बढ़ी नहीं पाएगी ना सर, वो तो नेचुरली भी नहीं बढ़ पाएगा। सर जो मुझे एक सर ने पूछा था कि प्रोटीन खाने से उनको डायरिया क्यों होता है। सर देखिए हमारे प्रोटीन पाउडर में क्या है, वे प्रोटीन भी होती है ना, तो बहुत लोगों को ना ये वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जिसके कारण उनको डायरिया ब्लॉटिंग ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। 2 ईयर्स के बच्चे को हम कुछ नहीं देते। क्या मैम क्या 40 साल एक व्यक्ति को डॉक्टर सकते जा देना है। सर आपने क्या पूछा, मैं व्हाट इज पेस। सर पेटकस क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड, यानी कि हमारी एबिलिटी टू डाइजेस्ट प्रोटीन उसका वैल्यू है सर ये, ठीक है। प्रोटीन भी देखिए हर चीज का पेटकस वैल्यू अलग अलग होता है, तो अगर सबसे बेस्ट पेटकस वैल्यू होता है 1, इसका मतलब जिस भी फूड आइटम्स का पेटकस वैल्यू 1 है वो हमारे शरीर में जाते ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हो हमारे प्रोटीन पाउडर में क्या है, सोया आइसोलेट्स और आपकी वे प्रोटीन, और ये दोनों चीजों की पेटकस वैल्यू 1 है, जिसके कारण जब आप विस्टीज प्रोटीन पाउडर लोगे ना तो डाइजेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। हाँ हाँ आप प्रोटीन ले सकते हैं जिम के लिए। वे प्रोटीन एलर्जी का सिम्टम्स कैसे पता चलता है, वे प्रोटीन एलर्जी के सिम्टम्स पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, डायरिया होता है, पेट फुला फुला जैसा लगता है, ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। आप वेस्टिज प्रोटीन हाइट ग्रोथ के लिए देखिए, आप 14 ईयर्स की है तो आप प्रोटीन पाउडर स्पाइरल ना दे सकते हैं। प्रेम कुमारी जी तो आपके 5 साल के बच्चे को ना क्रिल दीजिए और इनविगो प्रोटीन पाउडर दीजिए। सर मैम 12 साल के ऊपर के बच्चे को अगर इनविगो प्रोटीन पाउडर दोगे ना तो उतना ज्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं आएगा। सो 12 साल के बच्चे को, ऊपर के बच्चे को अगर आप हमारा वेस्टीज प्रोटीन पाउडर दोगे ना तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सर क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट को ना हमें ओरिजिनल, ना हमें नेचुरल प्रोटीन देना है, ना हमें सप्लीमेंट्स देनी है, हमें कुछ भी नहीं देना है। सर प्रोटीन पाउडर अगर आपकी मर्जी से, अगर आप खाने के मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि प्रोटीन पाउडर कब लेना है तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि जब आप खाना खा के ऑफिस पहुंच जाते हो ना, तो खाना खा के जब ऑफिस पहुंचते हो और लंच के पहले का जो समय होता है आप उस वक्त ले सकते हैं। क्या होता है हम ना उस समय में ना 4-5 घंटे की गैपिंग हो जाती है जिसके कारण ना हमारे बॉडी में एसिडिटी गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, राइट। तो अगर आप अपने पेट को 4-5 घंटे तक खाली ना रख के प्रोटीन शेक खाते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो हमारे पेट में कुछ ना कुछ अच्छा चीज जाएगा जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेगी। सेम लंच डिनर से पहले, लंच के बाद एक टाइम आपने ले लिया, राइट। इस तरह से अगर आपको किसी दिन ब्रेकफास्ट खाने का मन नहीं किया, आपने बस 2 ब्रेड खाई है, तो उस 2 ब्रेड के साथ आपने 1 ग्लास प्रोटीन पाउडर ले लिया। इस तरह से 22 इयर्स में गायत्री देवी जी, आई डोंट थिंक कोई वेट हाइट की इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होगा नेचुरली भी बंद हो जाता है। 40 इयर्स वेट 80 kg। सर तो आप ना इनको प्रोटीन पाउडर देने से अच्छा आप उनको ना डाइट्री फाइबर दे दो, बिकॉज डाइट्री फाइबर की भी हम इस तरह से एक सिर्फ डाइट्री फाइबर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सर आपने जो मुझे यहाँ सवाल पूछा है कि दूसरे ब्रांड्स, सर देखिए जो आपने मुझे यहाँ पूछा कि दूसरे ब्रांड को किस तरह से प्रोटीन के साथ तुलना करें, वो वाली प्लीज आप मुझे अपने मेल में भेज दीजिए ना, जो सर ने मुझे यहाँ पूछा है प्लीज, आपको मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है, प्लीज काइंडली मेल मी बॉडी एम आचार्य जी
बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन ब्रांड्स को कैसा हैंडल करें, इफेक्टिव पॉइंट्स ऑफ आवर प्रोटीन पाउडर वर्सेस अदर ब्रांड्स. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू मेल मी दिस क्वेश्चन. जी हाँ सर, एक ही है. इमरान खान, एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में 20 चाहिए होता है, 20 एमिनो एसिड्स. राहुल कुमार यादव जी, प्रोटीन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कब लेना है, राइट. जब आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लीजिए, लंच और इवनिंग टी में लीजिए, या इवनिंग के समय पे टी ना लेके आप प्रोटीन लीजिए, इवनिंग टाइम और डिनर के पहले लीजिए, या सोने से पहले लीजिए, इस तरह से. सर अबाउट अबाउट रिटर्निंग द प्रोडक्ट्स, प्लीज टॉक टू द मैनेजर्स. सहाना जी, दिन में आप 2 बार ले सकते हैं, 2 से 3 बार ले सकती हैं. खाली पेट प्रोटीन नहीं सर, रीता जी खाली पेट आप प्रोटीन मत दीजिए, एसिडिटी प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं. सर किडनी प्रॉब्लम्स एंड यूरिक एसिड में ही हम प्रोटीन अवॉइड करते हैं. बॉडी फिटनेस के लिए प्रोटीन पाउडर के साथ आप वेस्टीज का बहुत सारा प्रोडक्ट ले सकते हो. सर प्रोटीन लीजिए, स्पाइरुलिना है, नोनी है, डेंसिबकथॉर्न है, इस तरह से. विद्युत भट्टाचार्य जी, ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, आप क्या करो मुझे मेल कर दीजिए, आई विल सेंड योर क्वेश्चन टू रिसर्च टीम, जैसे मुझे वहां से आंसर आती है आई विल रिप्लाई यू बैक. ठीक है, आप विद्युत जी प्लीज, आप मेरे आपके सामने मेरी मेल आईडी है, प्लीज मुझे मेल कर दीजिए. जी हाँ जी, आप हमारे जो वेस्टीज प्रोटीन है आप ये दे सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, सोया आइसोलेट्स है, और ये सोया आइसोलेट्स दे सकते हैं हम. रानादीप सेन जी, मैंने ऑलरेडी पेटकस की फुल फॉर्म बता दी है, अगर आप चाहते हो तो पेटकस की फुल फॉर्म मैं आपको पर्सनली मेल करके भेज रही हूँ, आप देख सकते हैं. पेटकस की फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर. यूरिक एसिड के लिए ओनली फूड पैच एंड किडनी हेल्थ. एम आचार्य जी, आप अपने अपने देख सकते हो, मैंने अपना मेल आईडी खोल के रखा है वहां पे. थैंक यू विशाल जी. मैम 2 टेबल स्पून आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे, बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें खाने के द्वारा मिल जाएगा, बिकॉज हम कुछ भी खाते हैं पूरे दिन में उसमें छोटे छोटे मात्रा में क्या रहती है, प्रोटीन रहते हैं. अगर आप एवरीडे दिन का 2 अंडा ले रहे हैं, अच्छे अमाउंट में दाल पी रहे हैं, दूध ले रहे हैं एवरीडे, तो आपके शरीर को प्रोटीन मिल रही है. मैम जो रेगुलर जाते हैं मैम, उनको आप प्रोटीन जिम करने के आने के बाद आप उन्हें प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, जिम करके आने के बाद.
भाई ठाकुर रुक रहा, 3:30 बजे उड़ा मीटिंग जा। ओ इससे आने वाले मम्मी लाइन। आकाश रॉय फिटनेस के लिए आप प्रोटीन पाउडर दीजिए स्पाइरुलिना, आप लिखिए प्रोटीन पाउडर स्पाइरुलिना, ठीक है, टॉक्स क्लीन है ना, फिर उसके बाद 3 प्रोडक्ट से आप शुरुआत कीजिए है ना, प्रोटीन पाउडर टॉक्स क्लीन स्पाइरुलिना ये और नोनी, ये 4 प्रोडक्ट से आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे करके कर सकते हैं। और आप जब ये प्रोडक्ट दे रहे हो कम से कम 4 से 5 महीने तक आपको इसको कंटिन्यू करना है। 12 से 13 साल की लड़की को हेयर स्किन एंड नेल्स कितने टाइम देना है मैम, प्लीज हेल्प मी। 12 से 13 साल की बच्ची हेयर स्किन एंड नेल्स आप दिन में 3 बार दीजिए विथ प्रोटीन पाउडर, विथ प्रोटीन पाउडर। बस्टीज मैम कोलाजिन में कौन से प्रोटीन है, नहीं ये जो कोलाजिन है ना ये खुद एक प्रोटीन है, ठीक है, खुद एक प्रोटीन है जो आपके स्किन में पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों को जगड़ के रखा हुआ है। 1 ग्लास मिल्क में 2 चम्मच दीजिए। नहीं मैम मॉर्निंग में खाली पेट मत लीजिए, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं नोनी को हम अवॉइड करेंगे, यूरिक एसिड किडनी प्रॉब्लम में अवॉइड करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, मैं हमेशा 2 बजे की मीटिंग में सिर्फ मैं क्या, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को वेस्टीज के अलावा भी बहुत सारे नॉलेज दे सकूं, क्योंकि हम सब घर पे बैठे हैं, बिकॉज जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तब हम इस तरह से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। सो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इस 2 बजे के मीटिंग में जितना हो सके, जितना मैंने पढ़ा है ड्यूरिंग माई मास्टर्स ड्यूरिंग माई बैचलर्स, वो सब मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मैम कितने मंथ तक खाओगे, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 1 साल तक आपको लेनी है। रानादीप जी मैंने ऑलरेडी फुल फॉर्म बता दिया है पेटकस का, ओके अगर आपने मुझे मेल कर दिया है तो आई विल चेक। शुगर पेशेंट को हमारा वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर दीजिए, इंडिगो मत दीजिए बिकॉज चॉकलेट फ्लेवर की होती है। रिया सा आप देखिए सर आई हैव रानादीप सेन आई हैव पर्सनली मैसेज यू, प्लीज चेक योर जूम ऐप चैट बॉक्स। मैम वायरस रिलेटेड डॉक्टर महादेव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू सो मच सर, आप रोजाना 2 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे, मुझे मेल्स भी बहुत आती हैं, थैंक यू सो मच सर। वायरस रिलेटेड एक तो आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं बिकॉज प्रोटीन हमारे इम्यूनिटी को बनाने में मदद करता है। आफ्टर दैट स्पाइरुलिना नोनी आमला एलोवेरा सीबकथॉर्न, ये प्रोडक्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं। नरेंद्र जी यस आप हमारा वेस्टीज प्रोटीन पाउडर दे सकते हो बिकॉज इसमें सोया आइसोलेट्स हैं जो एक थायराइड पेशेंट को हार्म नहीं करेगा, और उसके साथ साथ आप प्लीज सिबकथॉर्न ऐड कीजिए। शोभा देवी जी आप वो बच्चा कितने दिनों से प्रोटीन पाउडर ले रहा है। मैम सिर्फ प्रोटीन पाउडर देने से नहीं होता है ना मैम, प्रोटीन पाउडर के साथ उस बच्चे का खाना कैसा है आपको वो भी ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपने उसको ब्रेकफास्ट की जगह पे प्रोटीन पाउडर दे दिया और वो स्कूल चला गया, स्कूल से आया उसने कुछ भी खाना नहीं खाया, स्कूल में भी टिफिन नहीं खाई, और आके आपने शाम को 1 ग्लास और प्रोटीन पाउडर दे दी, तो मैम उसको तो चक्कर आनी ही है, ठीक है मैम। आप जब उसको 1 मंथ हुआ है और आप दीजिए उसको 3 से 6 मंथ तक आप उसको खिलाइए, उसके साथ साथ वो जो खाना खाता है प्लीज उस खाने में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। सर उसको वेट बढ़ाना है तो प्रोटीन पाउडर, हमारा प्रोटीन पाउडर स्पाइरुलिना सिबकथॉर्न दे सकते हैं सर आप, और खाना अच्छे से खाना है, हर 2 सवा 2 घंटे में आपको खाते रहनी है अच्छे अच्छे खाना।
सर अगर गांठ है रविशंकर जी तो गांठ के लिए हम फ्लैक्स देते हैं, फ्लैक्स दीजिए, टॉक्स क्लीन दीजिए, नोनी दीजिए। यस आकाश, आकाश जी सतावरी के साथ फ्लैक्स दीजिए, फ्लैक्स के साथ आप दीजिए सिबक्थॉन, जो दोनों थायराइड कंडीशन को अच्छा करने में मदद करता है। मैम मेरा यूरिन में ज्यादा बबल बाबले आ रहे हैं। किडनी हेल्थ लीजिए सौगात जी, आप किडनी हेल्थ लेना शुरू कर दीजिए। यस यस यस, 4 साल की बच्ची है, अगर वो दूध पीना नहीं चाहती ना सर, तो आप इंडिगो प्रोटीन पाउडर से शुरुआत कर सकते हैं। पहले 15 दिन आप बस उनको एक चम्मच से शुरू कर दीजिए। जब वो अच्छी तरीके से खा रही है, अब्सॉर्ब कर रही है, तो आप उनको 15-20 दिन बाद दिन में 2 बार एक एक चम्मच करके इंक्लूड कर सकते हैं। अगर उनको प्रोटीन पाउडर सर, उस बच्ची को अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि दूध में देने के कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो सर आप उसको क्या कर सकते हो, पानी में भी मिक्स करके दे सकते हैं। इमरान जी पाइल्स के लिए आप दीजिए आंवला एलोवेरा डाइट्री फाइबर टॉक्स क्लीन जी। रिया जी आप दाल में भी प्रोटीन पाउडर मिक्स करके ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ मैम, हाँ सर, अगर वो बच्ची फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ले रही है ना, तो भी आप उनको प्रोटीन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो भी वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रही है उनसे उनको रिक्वायर्ड प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा है। वो जो छोटी सी बच्ची है उनका अगर राइट वो जो कुछ भी खा रही है उनको तो रिक्वायर्ड प्रोटीन तो मीट नहीं हो रहा है, राइट? तो आप उनको प्रोटीन पाउडर एक्स्ट्रा करके भी दे सकते हैं। बिकॉज ये जो इंडिगो प्रोटीन पाउडर है ना सर, इसमें DHA है, और ये DHA हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है, राइट? तो चाहे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा ले, उनको DHA तो नहीं मिल रहा है ना सर, तो आप उनको इंडिगो प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। सर 4 से 5 बार तो मत दीजिए, वरना वो एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा प्रोटीन, राइट? दिन में 3 बार काफी है सर। ओके, तो सौगात जी अगर आपकी बच्ची की दिमाग थोड़ी सी कंसंट्रेशन लेवल कम है, तो 10 साल की बच्ची है, कोलेस्ट्रॉल दीजिए, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल दीजिए सौगाता, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आप देख लो। इनविगो प्रोटीन पाउडर क्रिल कोलेस्ट्रॉल ओके थायराइड, एक्चुअली सर इनको ना हाइपर थायराइड हुआ होगा, सोनू शर्मा जी इनको ना हाइपर थायराइड हुआ होगा, जो हाइपर मतलब इस हाइपर थायराइड में लोग पतले होते हैं, ठीक है? तो उनका वेट गेन थोड़ा सा होना मुश्किल है, बिकॉज ये हार्मोनल इश्यूज है। तो इसमें आप शतावरी दीजिए, फ्लैग्स दीजिए, ठीक है, और सिबकथॉर्न दीजिए, ये 3 चीज दीजिए सबसे पहले, ठीक है? ये 3 चीज दीजिए सबसे पहले। रूपाश्री रॉय, ये जो आपने मुझे पूछा विटामिन डी कमी होने के कारण क्या क्या हो सकता है, ये जो आपने मुझे बताया, मैं ऑलरेडी इस कैल्शियम एंड विटामिन डेफिशिएंसी के प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रही हूँ, ठीक है? बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने फिर से, जैसे आज प्रोटीन लेके आई है ना, उसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने फिर से जॉइंट्स एंड बोन्स की कैल्शियम डेफिशिएंसी में क्या होता है, विटामिन डेफिशिएंसी में क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, रिकेट्स क्या होता है, अर्थराइटिस क्या होती है, राइट? ये सब कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे, है ना? आज जो है हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक इसी तरह 2 बजे फिर से 2 बजे आप सबको मिल जाएगा, स्लाइड्स मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, हर दिन इसी तरह एक एक प्रोडक्ट के ऊपर इन डेप्थ नॉलेज करते रहेंगे। यस यस, थायराइड के लिए भी हम जरूर बात करेंगे, और ये जो थायराइड है ये थोड़ी क्रिटिकल है, तो थायराइड के ऊपर हम क्या करेंगे, टॉक शो रखेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक रखा था, सविता मैम आई थी, ठीक उसी तरह से फिर से दूसरी एक ट्रेनर आएंगी, राइट? तो उस तरह से हम टॉक शो
जरूर करेंगे सर, ताकि क्या होगा, हमेशा आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हैं, मेरी तरफ से जो नॉलेज है मैं वो आपको दे पा रही हूँ, लेकिन अगर एक दूसरी मैम आएंगी तो उनके पास जो नॉलेज होगा वो अपना नॉलेज दे के हमारे हमसे शेयर करेंगी, राइट। तो आप हमेशा 2 बजे की मीटिंग में रहिए, कुछ ना कुछ नया जरूर रहेगा, कल भी नया जरूर रहेगा, एवरीडे नया रहेगा, कि हम सिर्फ वेस्टीज के सप्लीमेंट के ऊपर तक अपनी अपनी नॉलेज को सीमित नहीं रखेंगे। जब हम लॉकडाउन खोलने के बाद जब हम एक बार फील्ड में चले जाए, छोटी सी छोटी चीजों का भी जवाब हमारे पास होना चाहिए, कि लोग या ना बोले कि वेस्टीज में हम इतने लॉकडाउन में बैठ के क्या कर रहे थे, हम आराम से बोल सकते हैं कि हम घर में बैठ के भी काम कर रहे थे, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे थे, ताकि एक बार जब आप फील्ड में जाओगे ना तब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बढ़ जाएगी कि आपका काम देखना 15 दिनों में आपको इतना अच्छा लगेगा काम करते हो। मैं एक चीज बताऊं, जब आप फील्ड में जाते हो ना, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो काम करने में भी मजा नहीं आता है, राइट। लेकिन अगर आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज होता है ना, आप देखना ऑटोमेटिकली आपको ना वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करना मजा आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आज मैंने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया, अब जितना आपको पता होगा जब आप दूसरी मीटिंग करोगे इसी तरह जूम की में करोगे, तो क्या होगा, आप अपने डाउनलाइन तक अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, वो डाउनलाइन अपने डाउनलाइन तक, तो आप खुद भी सोचो कि अपना बिजनेस कहाँ तक जाएगा, राइट। ये जो आज हमने डिस्कस की है प्रोटीन, आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रोटीन के स्लाइड्स को आप किस तरह से और अच्छे तरीके से बना के, राइट, ये तो मैंने अपने तरफ से बनाया। अब आपके जितने सारे पॉइंट यहाँ आपको लगता है जो पॉइंट मिस हुए हैं, वो पॉइंट आप इस पीपीटी में डाल के अपने डाउनलाइन के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आज आपको नॉलेज मिली, मुझे नॉलेज मिली कहीं से, मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको नॉलेज मिलेगी, आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। जब हम नॉलेज शेयर करेंगे तभी तो हमारे बिजनेस भी बढ़ेगी, राइट। So, अगर मैंने किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया है आज के हेल्थ केयर वर्कशॉप में, प्लीज आई रिक्वेस्ट, आपके सामने मेरी ईमेल आईडी है suman.chetri@mywestige.com। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस पे आप जरूर मेल कीजिए अगर मैंने आज किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।